किसका नाम? हम उस पर आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय निवर्तमान अध्यक्ष जी, मीडिया के सम्मानित साथियों, यह प्रेस वार्ता इसलिए हुई है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने भाजपा कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उनके समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा है। वह उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं और मैंने उनके साथ सहकारिता विभाग में काम किया है, इस नाते मेरे उनके संबंध हैं। लोग उस संबंध के आधार पर एक मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि हम भी त्यागपत्र दे रहे हैं, जो सत्य निराधार एवं वास्तविकता से परे। संबंध होना एक बात है, परिस्थित विचारधारा और सोच अलग, दोनों संबंध हो सकते हैं लेकिन परिस्थित विचारधारा और सोच अलग हो सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और इसी में रहूँगा। जो भी प्रचार किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने 2012 में जब मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और अन्याय और जाति की थी, मेरे लिए संघर्ष किया था और मुझे पूरा समर्थन दिया। ऐसे में सुल्तानपुर की जनता जनार्दन को के साथ विश्वासघात करके समाजवादी पार्टी में जाना तो बहुत दूर, मैं जाने की सोच भी नहीं सकता। इसके बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जो प्यार और सम्मान दिया तथा 2017 के विधानसभा चुनाव में हमें जयसिंहपुर से प्रत्याशी बना के अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का आभारी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी नीतियों कार्यक्रम में मुझे पूरी आस्था है और इसको बढ़ाने के लिए मैं सदैव कार्य करता रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर जनता की सेवा करूँगा और जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि भाजपा में दलितों और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का अत्याचार होता है, क्या ऐसा आपको लगता है? आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन चल रही है, वो अंत्योदय के आधार पर है। समाज में जो सबसे निचले पावदान पे सबसे उसकी पहले मदद होनी चाहिए। निचले पावदान में कौन है? सबसे ज़्यादा गरीबी शेड्यूल कास्ट में है, तब माइनॉरिटी में, उसके बाद बैकवर्ड में, सवर्ण में बहुत थोड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा इसको शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी और बैकवर्ड में रहा, तो ये कहना औचित्यपूर्ण नहीं है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार बनवास काट चुकी है और अब की बार जब बनवास काटने जाएगी तो उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से साफ हो जाएगी, आप उनके इस बयान से कहां तक, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं उनके बयान पर कमेंट नहीं करता, वरिष्ठ नेता है, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो परिस्थितियाँ प्रदेश की, मैं प्रदेश स्तर पर 23 साल अधिकारी रहा, हर जिले से मेरा टच है। भारतीय जनता पार्टी पूरा पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अभी ऐसा है, उन्होंने एक सीट मांगा है सुल्तानपुर में, लेकिन पार्टी ने दिया नहीं है, देने का निर्णय पार्टी का होगा। नहीं, अगर गठबंधन में जाती है तो उसके बाद जब वो परिस्थितियां आएंगी तो उस हिसाब विचार करेंगे, दूसरी सीट से लड़ेंगे। मैं अध्यक्ष जिला पंचायत रह चुका हूँ, हाँ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव लड़े नहीं पाते तो उन स्थितियों में क्या करेंगे? ये हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, काम करेंगे। हमने